मीरा सर्किल के पास बुधवार सुबह घर से बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री के लिए निकला युवक मारुति वैन से बचने के प्रयास में असंतुलित होकर गिर पड़ा। गंभीर चोटें लगने पर उसे जिला अस्पताल से एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रतापनगर पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। रात करीब 8 बजे उसके परिजन शव लेकर चित्तौड़ रोड पर मंगरूप थाना अंतर्गत जानकी प्रोसेस फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। गेट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। देर रात फैक्ट्री गेट के बाहर श्रमिक का शव रख परिजनों व श्रमिकों के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की सूचना पर मंगरूप SHO नरेंद्र सिंह जापते के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस पर SDM ओम प्रभा, DSP सदर पर्वत सिंह, पूर्व SHO गजेंद्र सिंह, हमीरगढ़ SHO भारत रावत जापते के साथ मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री परिसर में ही श्रमिक के परिजनों फैक्ट्री संचालकों के साथ वार्ता शुरू हुई। देर रात करीब 10:30 बजे समझौता होने पर परिजन व श्रमिक शव लेकर रवाना हुए। जानकी प्रोसेस में ये एम्प्लॉय था, यहाँ पे जॉब करता था। सुबह 8 बजे ये अपने घर से फैक्ट्री के लिए यहाँ पे निकला था और रास्ते में इसकी दुर्घटना हुई और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और आज हम इतनी संख्याओं में पूर्वांचल के लोगों के साथ में यहाँ पे डेड बॉडी को जानकी प्रोसेस के बाहर रखा हुआ है, जिसकी डेथ हो गई है। परिवार का एक यही कर्तव्य था, हमारी मांग ये है कि